आम आदमी पार्टी में वार जारी है, जो कभी पोस्टर के जरिए नजर आ जाती है तो कभी ट्विटर पर दिखाई देती है। कभी कुमार विश्वास को लेकर हल्ला होता है तो कभी अमानतुल्लाह को लेकर। ताजा मामला भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह ने कुमार विश्वास के खिलाफ फिर से जंग को छेड़ दिया है। ट्विटर पर अमानतुल्लाह ने कहा कि वो ये 10 दिन में साबित कर देंगे कि कुमार विश्वास बीजेपी के ही एजेंट है। खबर ये भी मिली है कि अमानतुल्लाह के पास 3 से 4 ऐसे विधायक हैं जो जल्द ही कमेटी के सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगे। अमानतुल्लाह के विधायक कमेटी के सामने कहेंगे कि उन्हें 30-30 करोड़ में बीजेपी में जाने का प्रस्ताव कुमार ने दिया था। इस बयान के लिए 3 विधायक तैयार भी हो गए। जिस कमेटी को अमानतुल्लाह अपनी रिपोर्ट देंगे, उस कमेटी में आतिशी, पंकज गुप्ता और आशुतोष है। कमेटी इस रिपोर्ट को पीएससी को देगी और पीएससी कुमार को निकालने का प्रस्ताव एनी के सामने भेज देगी। एनी की बैठक 4 जुलाई के करीब बुलाने की तैयारी हो गई है। ये वही अमानतुल्लाह है जिनको कुमार विश्वास के कहने पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लगता है अब बारी अमानतुल्लाह की है। अमानतुल्लाह ने बदला लेने के लिए पूरी रणनीति को बना लिया है। अब बस मुहर लगनी बाकी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ये काम अमानतुल्लाह अकेले नहीं कर सकते, बल्कि इसके पीछे खुद केजरीवाल है जो सामने ना आकर पीछे से वार कर रहे हैं। अनिल सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।